दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में फरवरी महीने में हमारी भारतीय रेलवे ने यह फैसला लिया कि देश की जो राजधानी एक्सप्रेस है उन्हें तेजस राजधानी का डब्बा दिया जाएगा, यानी कि तेजस एक्सप्रेस के रेक्स के साथ ये चलेगी। और पहली राजधानी थी अगरतला आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस, और आज से लगभग एक महीने दो दिन पहले बिहार की राजधानी यानी कि पटना राजधानी को भी तेजस एक्सप्रेस के रेक्स मिल चुके हैं और वो भी अब तेजस बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, तेजस बनने के बाद जो इसके पुराने डब्बे थे यानी कि LHB जो कि आधुनिक डब्बे हैं, उनका क्या होगा, इस बारे में हमारी भारतीय रेलवे विचार कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा तोहफा दिया गया है रक्सौल जंक्शन के साथ ही साथ सीतामढ़ी दरभंगा समस्तीपुर बरौनी जंक्शन को, और एक नई राजधानी के डब्बे जैसी ट्रेन दे दी गई है। दोस्तों, कौन सी है ये ट्रेन जिसे ये डब्बे मिले हैं, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले क्रूस करूँ मेरा आपसे आग्रह, यदि भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ जैसे कहा है तो आपका है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम इस ट्रेन की बात करें तो इसका नंबर है 07005 06। ये ट्रेन है हैदराबाद से रक्सौल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे अब LHB कोचेस दे दिए गए हैं। दोस्तों, अभी इस ट्रेन में कुल 23 डब्बे हैं, LHB होने के बाद 22 डब्बे रह जाएंगे। और जब ये ट्रेन चलेगी हैदराबाद से 18 नवंबर को, तो इसमें LHB रेक्स लगे रहेंगे पहली बार। और जब ये ट्रेन रक्सौल जंक्शन से 21 नवंबर को चलेगी तो ये LHB रेक्स के साथ चलेगी। दोस्तों, यदि हम इस ट्रेन की नई कोच संरचना की बात करें तो यहां पे हमें स्लीपर के 11 डब्बे देखने को मिलेंगे, जो कि पहले 12 थे, यानी कि एक डब्बा घट जाएगा स्लीपर का। साथ ही साथ थर्ड एसी के यहां पे 5 डब्बे, सेकंड एसी का एक डब्बा होगा, जनरल के दो डब्बे होंगे, SLR के दो डब्बे और जनरेटर कार का एक डब्बा दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो डब्बे होंगे ये पूर्णतया आधुनिक डब्बे होंगे, जिस कारण से इस ट्रेन की स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और साथ ही साथ यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी, जिस कारण से अब जो हैदराबाद से रक्सौल की दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और दोस्तों, ये ट्रेन इस रूट की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे LHB रेक्स दिए गए हैं, जिस कारण से ये ट्रेन और भी खास हो जाती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब इतना ही, मिलेंगे ब्रेक न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।